ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अभी फोन करोगे और मुझसे पूछोगे राजीव तुमने खाना खा लिया, और मैं तुम्हें कहूंगा नहीं परी, खाना मैं मीटिंग खत्म होने के बाद खाऊंगा, और तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे, मुझे कहोगे कि नहीं राजीव, या तो अभी खाओ या तो मैं खुद तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूँ खाना लेकर। क्यों कर रही हो तुम परी मेरे साथ ऐसा? ऐसा तो वो लोग करते हैं जो आपसे नाराज होते हैं। नाराज हो मुझसे? बोलो ना परी, नाराज हो? तुम बहुत अच्छी हो परी, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी सुना देता हूँ, गुस्सा कर देता हूँ, और जब थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ तो तुम ऐसे बिहेव करती हो कि जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। कैसे हो इतनी अच्छी परी, इतनी काम, इतनी पेशेंट कैसे हो तुम? वो कहते हैं ना, जब कोई आपके साथ होता है तो आप उसकी वैसी कदर नहीं करते जैसी आपको करनी चाहिए। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। सीरियल परिणीति में जहां हम एक और देख रहे हैं कि परी की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, राजीव बहुत परेशान है, घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन जब नीति ये सुनती है कि भाई परी का बचना मुश्किल है तो वो सोचती है कि यहाँ 1% चांस भी ऐसा नहीं लेना है कि परी अब सही हो जाए। बिल्कुल सही कहते हैं लोग। देखो ना परी, कैसी हालत हो गई है मेरी तुम्हारे बिना। परी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ को मिस कर रहा हूँ मैं परी। परी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रही हो परी? परी मेरी हालत देखो, हमारे परिवार की हालत देखो परी, तुम क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? ठीक है, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है, और जब तक तुम आवाज़ नहीं लगाओगी ना वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। परी ठीक हो जाए, वो घर चली जाए, राजीव के साथ उसकी शादी हो जाए। तो नीति और बेबे क्या करते हैं, वो लोग प्लान बनाते हैं कि भाई परी को निपटाना ही निपटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नीति की मॉम उसे समझाती है, भाई देखो बेबे का तो कुछ नहीं जाना, जाएगा सिर्फ तुम्हारा, शक होगा तुम पे होगा, जो क्लास लगेगी वो भी तुम्हारी लगेगी। लेकिन नीति कहती है नहीं मॉम, मैं तो ऐसे कुछ करूंगी कि किसी को पता ही ना चले, लगे भाई खुद बन गई। अब ऐसे में चलो ठीक है, नीति अपनी मम्मी को ये जवाब देके वहां से निकलती बनती है। परी के वार्ड में जाते हैं और परी के वार्ड में उसका ऑक्सीजन मास्क उतार देती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन लेवल कम है। तो भाई आधी तो चीजें फिर नीति कर ही देती है, और फिर उसके बाद गला भी दबा देती है, जिसके बाद उसका दम निकल जाता है। अब डॉक्टर आते हैं, परी का चेकअप करते हैं, उसकी हार्ट बीट खत्म, उसका सांसें चलना खत्म। अब यहाँ पर डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि परी इज नो मोर, जिसके बाद राजीव टूट जाता है। परी को उठाने की कोशिश करता है, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब नीति देखकर दंग रह जाती है। गाइस कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।